भारतीय समाज की परंपरा रही है कि किसी की मौत हो जाने पर दुख की घड़ी में उसके साथ परिवार के सदस्यों के संग उन्हें जानने पहचानने वाले सभी लोग खड़े रहते हैं। इस शोक के वक्त लोग भले ही अपनी व्यस्तता या अन्य कारणों से मृतक के परिवार के सदस्यों से मिलकर अपनी सहानुभूति प्रकट नहीं कर पाए, लेकिन कभी भी मृतक या उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते। भारतीय राजनीति की भी यही परंपरा रही है कि किसी भी राजनेता या उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाने पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचते हैं। यहां तक कि जीवित रहने पर उनके खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी करने वाले किसी राजनेता की मौत के बाद विरोधियों के स्वर बदल जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ और माना जाता है कि 14 दिनों तक चिता की आग ठंडी नहीं होती है। पीएम मोदी के खिलाफ लगातार बयान देने वाले देश के बड़े विपक्षी नेताओं ने चुप्पी साध ली है, लेकिन इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के खिलाफ इतना अटैकिंग क्यों है? ये बात राजनीतिक विश्लेषकों के भी समझ से परे है। देश की राजनीतिक परंपरा के अनुसार पिछले दिनों जब पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की मौत हुई तो उनके पुत्र अखिलेश यादव के सभी राजनीतिक विरोधियों ने कई दिनों तक चुप्पी साधे रखी। उत्तर प्रदेश या देश के किसी नेता ने अखिलेश यादव के खिलाफ टिप्पणी नहीं की। इस ताजा उदाहरण के उलट सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हमला करने का काम किया। सीएम नीतीश कुमार 1 जनवरी को अपनी मां स्वर्गीय बिंदेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर अपने पैतृक गांव कल्याण बीघा पहुंचे। सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए नीतीश कुमार इस बार भी पैतृक गांव में बने स्मृति पार्क में अपनी मां की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश के साथ उनके पुत्र और परिवार के कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इससे ठीक 1 दिन पहले सीएम नीतीश ने अचानक पीएम मोदी पर बड़ा हमला कर सबको चौंका दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर सियासी हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग नए राष्ट्र के नए पिता बनना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्र के लिए किया क्या है। नीतीश कुमार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें अमृता ने कहा था कि देश में 2 राष्ट्रपिता हैं, नरेंद्र मोदी नए भारत के पिता हैं और महात्मा गांधी पुराने समय के राष्ट्रपिता हैं। देश में हाल के वर्षों में ये देखने को मिला है कि विपक्ष के सारे प्रमुख नेताओं की पीएम मोदी पर सीधा अटैक करने से बचने की रणनीति रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के अंतिम पड़ाव में जब कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेत्री सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर सीधा कटाक्ष किया तो पूरे देश में चुनावी समीकरण बदल गए। देश भर में कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस न सिर्फ देश की सत्ता से बेदखल हो गई बल्कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की संख्या 2 अंकों पर सिमट गई। इसके बाद भी कई चुनाव हुए, जब भी विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर सीधा कटाक्ष किया तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यही कारण है कि बीजेपी की भी ये लगातार कोशिश रहती है कि लोकसभा चुनाव हो या किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, सभी मुकाबले को मोदी बनाम अन्य बनाने की कोशिश की जाती है। इसका बीजेपी को कई राज्यों में फायदा भी देखने को मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई अन्य राज्यों में विपक्षी नेताओं ने बीजेपी की इस रणनीति को सफल नहीं होने दिया। सीएम नीतीश कुमार की ओर से इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी पर किए गए अप्रत्यक्ष हमले से सभी राजनीतिक विश्लेषक भी अचंभित हैं। नीतीश कुमार की गिनती देश के समझदार और अनुभवी नेताओं में होती है। ऐसे में नीतीश कुमार की ये टिप्पणी आम लोगों को भी पसंद नहीं आई। नीतीश कुमार के बयान पर सोशल मीडिया में वाक युद्ध शुरू हो गया। सीएम के बयान पर कमेंट की बाढ़ सी आ गई। अधिकतर यूजर्स नीतीश को ट्रोल करने लगे। तुषार आनंद नामक ट्विटर यूजर ने लिखा कि गुजरात और बिहार की अलग अलग आर्थिक स्थिति हकीकतें खुद बयां करती हैं, और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। पिछले 18 वर्षों के शासन में राज्य को बर्बाद करने के बाद भी उन्हें कोई शर्म नहीं है, रिटायर क्यों नहीं हो जाते? शरद पंत नामक यूजर लिखते हैं,
कि दूसरे के बारे में सोचते हुए नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। बिहार के विकास में उनका क्या योगदान है? गुंडाराज, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी। प्रवेश कुमार लिखते हैं कि एक बिहारी के रूप में कह सकता हूं कि कुछ नहीं कर पाया, अन्य राज्य छलांग लगा रहे हैं। सभी बिहारी दुनिया भर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार मुख्य रूप से महान उपजाऊ भूमि और मेहनती लोगों के बावजूद सबसे पीछे आ रहा है। इस तरह से आम लोगों की प्रतिक्रिया से ये सहज समझा जा सकता है कि पीएम मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणी से लोगों में कैसा आक्रोश है। पीएम मोदी की मां के निधन के बाद फिलहाल देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं ने चुप्पी साध ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर शोक संवेदना जताई। इस वक्त पीएम मोदी के विरोधी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन जैसे तमाम नेता चुप हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी ओर से सिर्फ बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष किया जा रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से पीएम मोदी पर अटैकिंग है उससे सभी हैरत में हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।